अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बहुत मज़े की झटपट चिकन देसी मैक्रोनी बना रही हूँ, बहुत मज़े की होती है। चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है, उसमें मैंने एक चम्मच जो है का मसाले का डाला है और एक ही टेबल स्पून मैंने जो है इसमें सिरका डाला है। इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि जो हमारी चिकन में जो मसाला है अच्छे से बस जाए और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो जी, उसके बाद मैंने जो है 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने अपनी गाजर डाल दी है काट के, और इसी में जो है मैं अपनी शिमला मिर्च भी डाल दूँगी। तो जी, आपको जितनी भी वेजिटेबल लेनी है ज़्यादा कम अपने हिसाब से ले लें। अगर हमारे यहाँ तो भाई ज़रा ज़्यादा खाई जाती है, अच्छी लगती है वेजिटेबल हमें मैक्रोनी में, तो हमने ज़्यादा ले लिया। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून ही जो है अपना ब्लैक पेपर डाल देंगे, और उसके बाद इसको इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून अपना सिरके का डालूंगी और 1 ही टेबल स्पून मैं सोया सॉस का डालूंगी, और इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से इसे सौते करते हैं। वेजिटेबल सौते हो गए हैं, अब बाकी का प्रोसेस करते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसके अंदर मैं 4 से 5 जवे जो है वो लहसुन के क्रश करके डाल दूंगी, और उसके बाद इसे थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। और इसके फौरन बाद हम इसमें ज़ीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून जो है, उससे थोड़ा सा कम हम ज़ीरा लेंगे। और उसके बाद जो है हम इसमें अपना आधी जो है वो प्याज डाल देंगे और प्याज को थोड़ा गोल्डन कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम इसमें अपना 2 जो है बड़े टमाटर लेंगे, वो डाल देंगे, और हम अपने टमाटर को बहुत अच्छे से जो है वो भूनेंगे। लेकिन पहले हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो जी, इसके अंदर जो है सबसे पहले थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगी, और आधा ही टेबल स्पून जो है आप कुटी मिर्च ले लें, और आधा ही टेबल स्पून जो है आप इसमें अपना नमक ले लें। तो जी, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये सब जो मसाले की क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कम जो भी है वो कर सकते हैं, क्योंकि जो है मैक्रोनी का हर किसी का एक अपना ही टेस्ट होता है। कोई ज़्यादा चटपटी खाता है, थोड़ी कम चटपटी खाता है, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो काली मिर्च, नमक और कुटी मिर्च रख लेगा। तो जी, उसके बाद हम इसमें अपनी मैरिनेटेड चिकन डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हमारी चिकन जो है वो अच्छे से ताकि गल जाए। तो उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो अपना सोया सॉस डालेंगे और इसे अच्छे से भुनने के लिए रख देंगे। तो जी, ये मेरी जो चिकन है अच्छे से भुन गई है, इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। और उसके बाद जो है हम इसमें है कोयले की धुनी देंगे, उससे बहुत ही कोई मज़ेदार जो है वो टेस्ट आता है। तो जी, अब इसमें कोयले की धुनी दे रही हूँ मैं, बिल्कुल कोई बारबेक्यू का टाइप की जो है ना वो बड़ी मज़े की बन जाती है, बारबेक्यू सॉस डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जी, मैंने 2 से 3 मिनट में अपना जो है वो कोयला रिमूव कर दिया इसमें से। और जी, अब हम अपनी जो वेजिटेबल हमने सौते करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसमें जो है, अच्छा, इसमें ना कुछ लोग होते हैं वो ना तुम चिली गार्लिक सॉस नहीं डालते, लेकिन चिली गार्लिक सॉस से बहुत ही कोई मज़े का टेस्ट आता है। तो मैं तो भाई चिली गार्लिक सॉस ही ज़्यादा डालती हूँ, तो मैं 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें चिली गार्लिक सॉस डालूंगी और 1 टेबल स्पून जो है इसमें टमाटो सॉस डालूंगी, तो बहुत ही कोई चटपटी सी बन जाएगी। और इसके बाद जो है हम इसमें अपनी मैक्रोनी ऐड करेंगे, जो मैक्रोनी वो मैंने पहले से बॉईल करके रख ली, मैंने दिखाएंगी, क्योंकि मैक्रोनी तो ऐसी चीज़ है जो सबको ही बॉईल करना आती है। तो जी, इसीलिए मैंने पूरा एक पैकेट लिया अपना 500 ग्राम मैक्रोनी का ये, तो इसको हम इसमें डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ही कोई यमी सी बनेगी। तो जी, ये देख रहे हैं आप शक्ल से कितनी यमी लग रही है, और बहुत ही कोई देसी नहीं स्टाइल होती है ना वैसी कोई मैक्रोनी, आपको पता ही चल गया होगा कि बनाते हुए हर किसी को पसंद आए कि आप एक दफ़ा बनाएं और खिलाएं अपने घर वालों को, बहुत ही लजीज थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।